तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव बेरोजगार की समस्याओं को लेकर अजमेर पहुंचे, जहां आरपीएससी पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उपेन यादव पर अचानक लाठी चार्ज कर दिया। जबकि बेरोजगार युवक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे थे, लेकिन बेरोजगारों को देखते ही अजमेर पुलिस ने अपना आपा खो दिया और लगातार बेरोजगारों पर जमकर लाठियां बरसाई। इस दौरान सिविल लाइन थाना पुलिस ने उपेन यादव और कुछ अन्य बेरोजगारों को हिरासत में ले लिया। वहीं आरपीएससी के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। गौरतलब है कि उपेन यादव 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करने अजमेर पहुंचे थे। इससे पहले उपेन यादव ने बताया कि 4 महीने पहले स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन उसका परिणाम अभी तक जारी नहीं किया है। 25 फरवरी तक इस परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग की है। साथ ही पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी मांग रखी गई है। की लापरवाही सामने आ रही है। पिछले 4 महीने हो चुके स्कूल व्याख्याता भर्ती का परिणाम एग्जाम हुए हैं, लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ। तो जल्द से जल्द स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए, क्योंकि रीट के एग्जाम से पहले, क्योंकि 6000 लोगों का चयन हो जाएगा, तो 6000 लोग रीट में नहीं जाएंगे शिक्षक भर्ती में, जो फरवरी में आयोजित होने वाली है। इसके अलावा कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की फाइल नियम अप्रूवल के लिए आई हुई है, उसको भिजवाइए। और जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में जो पेपर लीक माफिया है, सरगना है, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, सीबीआई को जांच की जाए और अंतिम कड़ी तक इसका खुलासा किया जाए कि मुख्य सरगना कौन है, सुरेश डाका, सुरेश विष्णु ही कहा है, और वो बस में कौन कौन बैठे थे जो 24 तारीख को पकड़ी गई, उससे पहले बस कहां कहां गई थी, कौन कौन बैठे थे, उसका खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा। तो इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अभिजीत दवे, संभाग प्रभारी अजमेर। जी अभिजीत, आरपीएससी पर प्रदर्शन हो गया और जो बेरोजगारों के लिए मांगे थी और लाठी चार्ज भी हो गई, तो फिलहाल क्या स्थिति है और अभी कोई लाठी चार्ज में हताहत तो नहीं हुआ? देखिए, विभिन्न मांगों को लेकर आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से आरपीएससी खिलाफ प्रदर्शन था, जिसको लीड कर रहे थे प्रदेशाध्यक्ष भूपेन यादव। और जो 3 प्रमुख मांगे थे, जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए, साथ ही साथ कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के नियम संशोधन की फाइल है, उस फाइल को अनुमोदन के लिए जो है आरपीएससी से बाहर निकालकर सरकार के पास भिजवाई जाए, और साथ ही साथ सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पेपर लीक के जो दोषी थे उनको जल्द पकड़ा जाए। तमाम मांगे थे, इन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट था, और प्रोटेस्ट के दौरान ही जो आक्रामक हो गए थे बेरोजगार, उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लाठियां घेरा गया। साथ ही साथ जो प्रदेशाध्यक्ष थे उपेन्द्र यादव सहित उनके कुछ सक्षम बेरोजगारों को फिलहाल मौके पर अब शांति है, और मांगों को लेकर जो प्रदर्शन किया गया था उस पर जो है आरपीएससी को एक फॉर्मल जो है ज्ञापन भी उपेन्द्र यादव को सौंपा। जी जी अभिजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर संभाग प्रभारी अभिजीत दवे।